मैम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 24। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एश दैट मेड ट्री ब्लूम, यानी ऐसी राख जो पेड़ को खिला देती है। यहाँ लिखा है फन फैक्ट, डू यू नो दैट जापान इज मेड अप ऑफ 6852 आइलैंड्स, यानी कि जापान जो है वो 6852 आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक मुल्क है। चलिए इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिले तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन लिखा है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। अब आपको यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इनको इनकी मीनिंग से मिलाना है। तो देखिए पॉ का मतलब क्या होता है, पॉ होते हैं डॉग के फुट्स, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ लिखा है ह्यो, क्या होता है, एक लंबा सा डंडा होता है जिससे गार्डनिंग करी जाती है, जो यहाँ आप देख सकते हैं इन बाबा के हाथ में है, दिख रहा है ये यहाँ जो ये रखा है, ये हाला हल, ठीक है, इसको ही कहते हैं। देन उसके बाद आपने पहला इससे मिला दिया, दूसरा इससे मिला दिया, तीसरा है आपका मीनिंग का मतलब होता है मेकिंग हाई पिच्ड और साउंड, है ना, इस तरह से जो रोने की आवाज़ होती है या तेज़ चीखने की आवाज़ जो कि डॉग कर रहा। तो उसके बाद स्मूथिंग का मतलब होता है टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करें लोगों के प्रति, बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं को दिखाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। तो द डॉग हैड द ओल्ड मैन फाइन, तो वो क्या देता है, ट्रेजरी, यानी कि खजाना, ठीक है। उसके बाद लिखा है द ओल्ड कपल, तो द ओल्ड कपल क्या हो जाएगा, इसमें ऑल ओवर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उनके पास ज़मीन भी खरीद लेते हैं, दोस्तों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं और गरीब जो उनके पड़ोसी हैं उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा है द फार्मर वॉज अवेलेबल, तो जो फार्मर है वो किसके साथ प्यार करता है, ही वॉज काइंड, ही वॉज एवर बीन द डॉग गोल्ड एंड, तो इसका आ जाएगा ही वॉज काइंड, इसीलिए सबसे अच्छा हुआ, क्यों, क्योंकि वो हमेशा दयालु था, वो हर किसी की मदद करता था, दया करता था। तो आपका यहाँ फोर्थ क्वेश्चन लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बॉक्स, इस वर्ल्ड बॉक्स की मदद से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग आंसर शीट पे पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और आपके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए तो पढ़ते हैं, अभी आपके पैराग्राफ में से ही लिया गया है वन डे द डॉग कीप ऑन रनिंग, यानी दौड़ता हुआ आया किसके पास, ओल्ड मैन के पास, और उसके बाद उसने क्या करा, अब उनके पैरों के बीच में अपने पंजों से हिलाने लगा, है ना। उसके बाद उसने क्या करा, मोशनिंग करा वहां से, यानी चिल्लाना शुरू करा, और कहां लेके गया उसे, एक जगह पर लेके गया, ठीक है। जहाँ वो पहुंचा तो वहाँ उसने क्या देखा, जो उसने गड्ढा खोदा उसने देखा वहाँ पे सोने के कुछ सिक्के गड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।